गुड मॉर्निंग क्लास, माई सर श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इट इज नाउ एन एस्टेब्लिश फैक्ट डेट इंडिया पॉसिस्ड सम सिस्टम ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स थ्रू इट वॉज नॉट सिमिलर टू बैंकिंग इन अ मॉडर्न टाइम्स। इवोल्यूशन ऑफ अ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे अपने विकास में आया। इट इज़ नाउ वेल इस्टेब्लिश फैक्ट डैट इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एग्जिटेड फ्रॉम वेरी अर्ली पीरियड बट इट वॉज नॉट सिमिलर टू द बैंकिंग सिस्टम एग्जिटिंग एट प्रेजेंट। द इवोल्यूशन ऑफ अ इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर पीरियड्स, चार पीरियड्स इसमें दे रखे हैं। पहला है आपका एंशिएंट पीरियड। द अर्थशास्त्र बाय कॉटिल मेंशन डैट सिस्टम ऑफ टेकिंग मनी ऑन अ लोन एग्जिटेड इन अ ओल्डन डेज। भारत में जो बैंकिंग व्यवसाय था किसी न किसी रूप में बहुत समय से चला आ रहा था। मुद्रा का लेन देन जो था वो वैदिक काल से होता था। इसके बाद कौटिल की अर्थशास्त्र जो भारतीय बैंकिंग व्यवसाय के स्वरूप में जानी जाती है उसमें भी इसके अंतर्गत धनराशि को उधार देने की बात कही गई है। मेडिवल पीरियड्स, ड्यूरिंग दिस पीरियड्स द बैंकिंग सिस्टम मेड सम प्रोग्रेस एंड द साहूकार्स एंड महाजन केम इन टू एग्जिस्टेंस। कॉमन मैन यूज टू द टेक लोन फ्रॉम द साहूकार, इवन द किंग्स एंड रूलर्स वर नो एक्सेप्शन एंड ड्यूरिंग द एमरजेंसीज टूक ह्यूज अमाउंट ऑफ अ मनी एज अ लोन। प्राचीन काल के बाद जब हम मिडवल पीरियड में आते हैं तो यहाँ पे भी बैंकिंग व्यवसाय एक लंबे समय से चला आ रहा था, जहाँ पे महाजन तथा साहूकार से जनता ऋण लेने का काम करती थी, किंतु इनके लिए बैंकिंग व्यवसाय सहायक रोजगार नहीं था, पूर्णकालिक व्यवसाय ही था। आवश्यकता पड़ने पर राजा महाराजा या मुगल बादशाह भी साहूकारों से ऋण ले सकते थे। महाजन तथा साहूकार का व्यवसाय जो था वो आधुनिक बैंक जैसे काम करता है ठीक वैसे ही था, इसलिए इन्हें नगर का सीट भी कहा जाता था। इसके बाद आपका आता है ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड विद द अराइवल ऑफ अ ब्रिटिशर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रेडिंग सेंटर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी द पोजिशन ऑफ अ साहूकार एंड महाजन वॉज डिस्टर्ब। द इंडिजीनियस बैंक वर नॉट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर, सो द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकरेज द सेटिंग ऑफ एजेंसी हाउसेज। दिस एजेंसी हाउसेज यूज टू एक्सचेंज मनी एंड वर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑल्सो ऑन विच दे यूज टू पे इंटरेस्ट टू द ट्यून ऑफ अ 10-12%। ब्रिटिश क्या होता था, जब ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो साहूकार और महाजन जो थे वो हट गए थे, और इंडिजीनियस बैंक वर नॉट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर एंड सो द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकरेज द सेटिंग ऑफ एजेंसी हाउसेस। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही एजेंसी हाउसेस डेवलप किया और इन पे जो मतलब लोगों को दिया जाता था धन वगैरह उसकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो 10-12% थी। इन ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द इनकरेज द एस्टेब्लिशिंग ऑफ अ बैंक विच कुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न सिस्टम। इनका काम करने का जो तरीका था वो वेस्टर्न सिस्टम पे था। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया नोन एज द हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश इन 1770 बट इट फेल्ड इन 1836। द प्रेसिडेंसी बैंक वॉर इस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट। इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक आया। द बैंक ऑफ कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश इन 1806 विद द कैपिटल ऑफ 50 lakhs इक्वली डिवाइडेड इन टू 500 शेयर ऑफ ₹10,000 कैश। द गवर्नमेंट ऑफ अ बंगाल परचेज 20% शेयर। इसके बाद आपका द बैंक ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश। बैंक ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश होती है 2 जनवरी 1809। इट वॉज ऑथोराइज इन 1823 टू इशू करेंसी नोट्स अप टू 2 crore। द बैंक ऑफ बॉम्बे वॉज इस्टेब्लिश 1840। इट्स कैपिटल वॉज डिवाइडेड इन टू 5,225 शेयर ईच ऑफ ₹1,000। द मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन 1843 विद कैपिटल ऑफ 30 lakhs डिवाइडेड इन 3,000 शेयर ईच ऑफ ₹1,000। अब देखो ड्रॉबैक क्या था प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक या इस्टेब्लिश ऑफ इंपीरियल बैंक का। देयर वॉज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिसी ऑफ दिस बैंक। इनका जो बैंक थे उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। द कॉन्सेंट्रेटेड देयर एफर्ट इन अ लिमिटेड एरिया एंड डिड नॉट मेक एफर्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो इनका जो बिजनेस था वो बहुत एक्सपेंस बहुत बड़ा हो चुका था। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर क्वाइट इनसफिशियंट। इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो इनसफिशियंट हो गए थे। द नोट इशू वॉज डन बाई गवर्नमेंट वेयर एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट वर इशू बाई दिस बैंक। दिस बैंक वर नेवर अटैम्प्ट टू सपोर्ट इंडियन बैंक। ये जो बैंक थे वो इनको सपोर्ट भी नहीं करते थे। इसके बाद आपका आता है जॉइन स्टॉक बैंक 1860 टू 1912।
बिटवीन 1833 एंड 1860 12 इंडियन बैंक वर एस्टैब्लिश आउट ऑफ दिस 6 वर क्लोज डाउन इन 1860 अ स्टडी डिसीजन वाज टेकन टू एस्टैब्लिश जॉन स्टॉक बैंक सम इंपॉर्टेंट बैंक अलाहाबाद बैंक 1865 अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 ऑथ कमर्शियल बैंक 1881 एंड पंजाब नेशनल बैंक 1894 वर एस्टैब्लिश बैंक ऑफ इंडिया 1906 बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 वर सेटअप इवन थ्रू द कॉमन मैन डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम लेकिन इस समय एक कॉमन मैन को बैंकिंग सिस्टम की बहुत अधिक नॉलेज नहीं थी येट इनफ मनी वॉज डिपॉजिट इन दिस इंडियन बैंक बिकॉज ऑफ नेशनल फीलिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डिपॉजिटेड नहीं होता था. नेक्स्ट है क्राइसिस पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब देखो इसमें क्या क्या होता गया जो फर्स्ट इसके क्या कॉसेस थे मतलब कि जो ये फेल हो गई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1913 टू 17 तक का था. मिसमैनेजमेंट सबसे पहला क्या था कि इनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही अच्छा नहीं था. सेकंड है मिस अप्रोप्रिएट ऑफ अ फंड द अकाउंट्स वर नॉट बीइंग मेंटेन प्रॉपर्ली इनके अकाउंट मेंटेन नहीं हो पाते थे प्रॉपर्ली इनका जो मतलब फंड्स था वो मिस अप्रोप्रिएट था जिस वजह से ये फेल हो गए थे. अन इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स द शेयर होल्डर वर ऑलमोस्ट स्लीपिंग एंड डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट टू द वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बैंक जो भी बैंक का मैनेजमेंट था उसमें इनके शेयर होल्डर इंटरेस्ट नहीं लेते थे. द डायरेक्टर देयरफॉर एक्ट एज पर देयर विम्स फ्रीली मिसयूज द देयर पोजीशन जो डायरेक्टर वगैरह थे वो पोजीशन का मिसयूज करते थे. अदर एक्टिविटीज सेवरल बैंक वर बिजी इन अदर एक्टिविटीज बैंक का जो काम था वो अपने काम को छोड़ के अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती थी जिस वजह से ये मतलब इनका ड्रॉबैक था. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे हायर इंटरेस्ट रेट इन बैंकों का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था. पार्टनर डायरेक्टर सम ऑफ द बैंक वर एस्टैब्लिश्ड बाय इंडस्ट्रियल एंड अ बिग बिजनेसमैन सो द फंड बैंक कुड बी यूटिलाइज फॉर देयर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस. ज़्यादातर जो बैंक एस्टैब्लिश हुए थे उनमें जो पूंजीपति वगैरह थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो इंडस्ट्री और बिजनेस में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से वो अपना सारा फंड वहाँ लगा देते थे. अदर कॉसेस क्या थे बिसाइड अब दोस इंडियन बैंक हैड नो कॉपरेशन एंड देयर वॉज नो प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सिस्टम. नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फेलियर ऑफ बैंक. द प्रोग्रेस ऑफ अ बैंकिंग वॉज रिटार्डेड एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट फेथ ऑफ द वेरी सिस्टम ऑफ अ बैंकिंग. सेवरल पर्सन लॉस्ट देयर इंटायर सेविंग ऑफ अ होल ऑफ द लाइफ. द नंबर ऑफ अ बैंक क्लोज डाउन वॉज फॉर मोर देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बैंक. ज़्यादातर क्या होता था जो भी थोड़े बहुत लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग उसमें लगाई थी तो जो जो बैंक थे वो बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाते थे और नए बैंक इस्टैब्लिश होते थे. ड्यू टू द सच डिस्टर्बिंग सिचुएशन द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस कम्युनिटी फेल्ट द नीड ऑफ अ सेंट्रल बैंक एज वेल डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द बैंकिंग. इसलिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ी. प्रोग्रेस बिटवीन 1918 to 1939. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द पीरियड ऑफ अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑकर्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ अ बैंकिंग एक्टिविटीज ऑल्सो सफर वेरी बैडली एज मैनी 84 banks having a capital of rupees 5 crore failed between the 1999 and 1925. In the between 1926 to 38, 444 banks were failed. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद देश में बैंकों की जो स्थिति थी उसमें सुधार होने लगा था. जनता के पास धनराशि जो थी उसमें काफ़ी मतलब वो राशि काफ़ी इंक्रीज हुई और इकोनॉमिकली एंड बिजनेस की गतिविधियों में तेजी आने लगी जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने लगे और अनेक बिजनेस का एक्सपेंशन हुआ. बैंकों ने अपनी नई नई शाखाएँ ब्रांचेस खोली नए बैंकों की स्थापना हुई और मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहीं पे इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को. डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बैंक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कॉमन मैन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंड सफिशियंट टर्न ओवर एंड द अर्न गुड प्रॉफिट दिस इनकरेज पीपल टू सेव मोर एंड अ बैंकिंग बिजनेस फ्लरिश सेवरल न्यू बैंक्स वर सेटअप. इसमें क्या हुआ नए नए बैंक सेटअप हुए और जो इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन थे वो अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें देने लगे. द डिपॉजिट विद बैंक आल्सो इंक्रीज फ्रॉम रुपीज़ 241 करोड़ टू रुपीज़ 872 करोड़.
यहाँ पे जो डिपॉजिट हुए थे वो काफ़ी डिपॉजिट जो डिपॉजिट की रेट थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई। कैपिटल एंड रिजर्व द इंक्रीज इन द डिपॉजिट वॉज मच फास्टर देन द इंक्रीज ऑफ अ कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द बैंक। लोन एंड एडवांसेस इंक्रीज 237 crore फ्रॉम ₹143 crore इन 1939। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ शेड्यूल बैंक ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम ₹72 crore टू 433 crore ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड 1945 एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी 1945 में खत्म हो गई थी और हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो चुका था। बोथ दिस इवेंट कॉज टू सेटअप इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड एज मैनी 142 बैंक्स फेल बिटवीन द 1947। The five plans were commenced and the following setup were taken the strength of a Indian banking system. First है इसमें Indian Banking Company Act 1949 was enacted. Second, the Reserve Bank of India was nationalized in January. मतलब Reserve Bank of India को 1949 में nationalized bank बना दिया गया था in order to establish a strong network of a commercial banking. The SBI was formed by the nationalizing the Imperial Bank on 1st July 1955. नेक्स्ट सेवलर सिख बैंक वॉर एमगलेमेट विद अदर्स बैंक, जो भी मतलब बेकार बैंक थे जिनका मतलब काम करने का तरीका सही नहीं था उनको दूसरे बैंकों में मिला दिया गया था इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश इन January 1962। नेक्स्ट सोशल कंट्रोल स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1968 रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ अ वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। जो आपकी सोशल कंट्रोल स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी 1968 में इनका काम था जो भी कमर्शियल बैंक में रेक्टिफाई गलत और ही उनको काम करने में सुधार लाने के लिए। इन July 1969 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 प्राइवेट कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट ने 14 प्राइवेट कमर्शियल बैंक खोले। दीज बैंक कुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिनका काम हमारे कंट्री में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। देयर वॉज नो इंडस्ट्रियल बैंक इन इंडिया प्रायर टू इंडिपेंडेंस। सिंस देन सेवरल इंडस्ट्रियल बैंक बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट बैंक हैव बीन एस्टैब्लिश। सेंट्रल बैंक और एस्टैब्लिश बैंक भी इसमें एस्टैब्लिश हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। आज के समय में हमारी बैंकिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहले इसमें RBI यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जो कि 1st January 1949 को इस्टैब्लिश हुआ। इंटरेस्टेड विद द फंक्शन रिलेटेड टू द मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, इसका काम मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसी पे अपना मतलब जो भी काम होते थे इसी के अंदर होते थे। फंक्शन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैव बीन इंटरेस्टेड टू नाबार्ड, इसने एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड की स्थापना की। सेकेंड है कमर्शियल बैंक्स, द कमर्शियल बैंक वर एस्टैब्लिश इन अ प्राइवेट सेक्टर, जनरली प्राइवेट सेक्टर में एस्टैब्लिश हुए। इंपीरियल बैंक वॉज नेशनलाइज इन 1959 अंडर द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा इंपीरियल बैंक था उसको उसका ही नाम चेंज करके SBI रखा गया। द 6% शेयर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर स्टिल पॉसेसेड बाय द प्राइवेट पर्सन, देयर आर एट पर्सन 7 सब्सिडरी बैंक टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक हमारी कंट्री का बिगेस्ट कमर्शियल बैंक माना जाता है। इन July 1969 14 बैंक वर नेशनलाइज विच हैड टू डिपॉजिट ऑफ 50 crore एंड लेटर ऑन 6 मोर बैंक वर नेशनलाइज इन 1980। 1969 में 14 और बैंक थे जिन्हें नेशनलाइज किया गया था और इनकी जो डिपॉजिट कैपिटल थी वो 50 करोड़ थी। देयर आर ओनली 19 नेशनलाइज बैंक एट प्रेजेंट इन इंडिया, आज के समय में हमारे इंडिया में भारत में 19 नेशनलाइज बैंक हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया इन पंजाब नेशनल बैंक इन 1993, जो हमारा न्यू बैंक था उसको PNB में 1993 में विलय कर दिया गया था। द बैंकिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया इंक्लूड 889 कोऑपरेटिव बैंक, मोर देन 61% ऑफ अ न्यू ब्रांचेस हैव बीन सेटअप इन अ रूरल एरिया। इसके अलावा इसमें 61% न्यू ब्रांचेस रूरल एरिया में खुली थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन ऑर्डर टू रेगुलाइज द इंडियन बैंकिंग सिस्टम द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1949। द RBI वॉज इम्पावर टू इंस्पेक्ट एंड रेगुलेटेड द कमर्शियल बैंक। 1949 में बैंकिंग रेगुलर एक्ट को स्थापित किया गया था। RBI जो थी वो सभी कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करने का मतलब उसी के रूल्स और रेगुलेशन चलाए जाते थे। कोऑपरेटिव बैंक, दिस बैंक फुलफिल द शॉर्ट टर्म्स ऑफ अ लोन थ्रू प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। द लैंड डेवलपमेंट बैंक फुलफिल द नीड्स ऑफ द लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स फॉर द फार्मर, ये किसानों को ऋण देने के लिए बनाया जाता था। इसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इस समय हमारे यहाँ कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक पाए जाते हैं जिसमें IDBI, IFCI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंडियन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है।
इसके बाद आपका बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।